हेलो चिल्ड्रंस, क्लास सिक्स हिंदी मीडियम एक्सरसाइज है 3.5। हमने 3.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.5। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। यहाँ पर गहराई के रिक्त स्थान भरिए और यहाँ पर क्वेश्चन वन का फर्स्ट दे रखा है 490 प्लस डॉट 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 और यहाँ पर यह दे रखा है 35। तो यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट टिक को क्या करना है, सॉल्व करना है। माइनस का दे रहा है 35, तो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम 90 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, एक्स मान लेंगे और यहाँ पर ये दे रखा है माइनस का 35। फिर 490 प्लस एक्स को उस साइड ले आएंगे और 35 को उस साइड ले आएंगे, तो 35 इस साइड आएगा, तो ये 35 माइनस का है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा और ये एक्स उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5, 12 और 5, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 525, लेकिन आएगा माइनस, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 525। सॉरी ये डिवाइड है ना, सॉरी यहां पर ये डिवाइड दिया है साइन, प्लस का साइन नहीं, और यहां पर एक्स मान लेंगे और यहां माइनस का 35 दिया है। अब यहां पर ये एक्स हैगा, तो यहां पर ये फिर ये कर लेंगे डिवाइड में एक्स और यहां पर माइनस का 35 आएगा, मतलब कि 35। इस x को हम इस साइड ले जाएंगे तो अभी ये डिवाइड में है, उस साइड आगे किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये अभी मल्टीप्लाई में इस साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये x आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 35 बन जाए 35, इसको डिवाइड करेंगे तो भाग देंगे 35 का, इसमें 35 बन जाए, हो जाएगा 35, फिर बचेंगे हैं 140 बचेंगे, 140 होते हैं 35 चौको 140 होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 14, तो ax की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट तो इसको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि यहाँ पर प्लस मैंने यहाँ पर हमने क्या समझ लिया था, प्लस समझ लिया था, चूंकि यहाँ पर प्लस नहीं है डिवाइड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर माइनस का 12 लिया है और यहाँ पर दे रखा है 0, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक्स मान लें, फिर x अपॉन में माइनस का 12 इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे 12 है तो 12 को इस साइड ले जाएंगे और 0 को इस साइड ले आएंगे, तो हमको निकालनी है x की वैल्यू, तो हम 12 को कहाँ पे ले जाएंगे, या अभी डिवाइड में उस साइड जाएगा किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0, इसलिए यहां पर सेकंड वाले में क्या आएगा आपका आंसर 0। फिर नेक्स्ट थर्ड करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा माइनस का 225 डिवाइडेड माइनस के 15 और इक्वल टू हमको बताना है, तो ये हमको यहां पर फिल करना है, तो यहाँ पर डिवाइड करना है माइनस के 225 को माइनस के 15 से, क्या करना है डिवाइड करना है, तो 15 एकम 15 और 15 पर 75, तो जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 15, तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा 15।
तो यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या आंसर आएगा आपका, आएगा 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सिंपल वे में आपको क्लियर कर दिए हैं। कुछ नहीं करना, डिवाइडेड दिया है, जहाँ पे जो जो पूछ रहा है वहाँ पे एक्स मान ली माने हम, और एक्स मानने के बाद फिर यहाँ पर गुणा भाग करेंगे कि किस चीज को कहाँ ले जाना है, एक्स की वैल्यू किस टाइप से निकलेगी, तो उस टाइप से आपको निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भागफल। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है भागफल याद करना है। तो यहाँ पर 24 को डिवाइड करना है माइनस के 4 से, 24 को डिवाइड करेंगे माइनस के 4 से, तो 4×6=24 होते हैं, तो भागफल क्या निकल कर आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 6, और ये माइनस का आएगा। नेक्स्ट इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, तो आपको क्या करना है, भाग देना है सिंपल। फिर यहाँ पर -2 42 लिखा है, इसको डिवाइडेड करना है 7 से, और भागफल क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर 42 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे माइनस, क्योंकि आपको किससे डिवाइड करना है, सॉरी किससे भाग देना है, 7 से। तो जिससे भाग देना है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। अब 7×6 होते हैं 42, हमको पता है कि 7 की टेबल में अगर 6 बार पड़ेंगे तो 42 आते हैं, और माइनस का 6 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, 4×6=24 होते हैं, 4 का टेबल पड़ेंगे तो 4×4=16, 4×5=24, 4×6=24, 4×6=24, 7×7=7, 2×7=8, 7×7=7, 7×42=42, तो इस टाइप से, चूंकि माइनस लगा है इसलिए आंसर माइनस में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, कुछ नहीं करना आपको, डिवाइड करना है सिंपल। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं इसका, इसका थर्ड है 300 माइनस के 364 को हमको डिवाइड करना है माइनस के 14 से, मतलब कि 14 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो माइनस के 364 बटे माइनस के 14, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 14×1=14, 14×2=28, 14×2=28 कितने बचे, 8, और 14×3=84, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 26। ये भागफल आ गया, क्यों, क्योंकि 14×2=28 कितने बचे, 8, और 14×1=14, 14×2=28, 14×3=84, 14×6=84, तो 26 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे इसी का, फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा 360 को हमको माइनस के 360 को डिवाइड करना है 15 से, तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं हम, फिर 15×1=15 और 15×2=30 कितने बचे, 6, 15×2=30, 6×15=60, क्योंकि माइनस का लगा है इसलिए माइनस में आंसर आएगा, तो 24 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इस टाइप से मैंने आपको इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करा दिए, इसके 3 क्वेश्चन बचे हैं, 5th, 6th और 7th, ये आपको होमवर्क में है, ये आपको करना है, ये आप तो घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है, भाग देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है, भागफल ज्ञात कीजिए और भाजक तथा भागफल की गुणा करके उन्हें उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पर क्या करना है, एक तो भागफल भी निकालना है और भागफल के साथ साथ हमें भाजक और भागफल का इंटू करके उत्तर की क्या करना है, जांच भी करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63/-7, ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले भागफल याद करना है, तो पहले भागफल याद कर लेते हैं हम, 63 को डिवाइड करेंगे माइनस के 7 से, तो 7×42=49, 7×8=56 और 7×9=63, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये तो हमारा आंसर आ गया भागफल,
ठीक है ना। लेकिन हमको क्या करना है, उत्तर की जांच भी करना है, तो यहां पे लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच लिखेंगे, उत्तर की जांच कैसे लिखेंगे कि भागफल इंटू भागफल मल्टीप्लाई भाजक। तो भागफल क्या आया हमारा माइनस का 9 और भाजक क्या है हमारा 7, माइनस का 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 63 होते हैं और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए भाज हमारा निकल कर आ गया है, तो 63 आ रहा है, तो 63 यहां पर भी आएगा, इसलिए उत्तर की पुष्टि भी हो जाती है। उत्तर की पुष्टि कैसे हो जाती है कि भागफल और भाजक का गुणा करके उत्तर की जांच भी करना है, तो हमने भाजक और भागफल का क्या किया गुणा कर लिया है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 63 आ रहा है, 63 चूंकि हमारा क्या है भाज्य। फिर ऐसे इस टाइप से हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 168 डिवाइडेड बाय माइनस के 12। तो सबसे पहले क्या निकालना है, ये तो हमको दिया है, हमको निकालना है भागफल, क्या निकालना है भागफल। अब चूंकि भागफल निकालेंगे तो 168 को माइनस 12 से क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 12 एकम 12 और कितने बचे, 12 एकम 12 और 12 छुको 48, 4 बचे, तो माइनस में चूंकि माइनस लगा है इसलिए आंसर माइनस में आया। फिर हम करेंगे उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच में क्या करना है, उत्तर की जांच लिखेंगे यहाँ पे, और उत्तर की जांच जब हम करेंगे यहाँ पर, उत्तर की जांच जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, भागफल का जो मल्टीप्लाई है ना, मतलब भागफल को गुणा करेंगे हम भाजक से, किससे करेंगे, भागफल को गुणा करेंगे हम भाजक से। तो भागफल को जब हम गुणा करेंगे, भागफल क्या निकल कर आया है हमारा 14 और भाजक क्या है हमारा माइनस का 12। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, चूंकि इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर सही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा भाज जा रहा है वो भाज चूंकि हमारा क्या है 168 मतलब कि 168 है, तो चूंकि हमारा क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा। आप करके भी देखिए, 12 × 1 = 48 किया, 12 × 4 = 16, तो ये 16 आ गया, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भागफल क्या, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। माइनस के 475 को भाग देना है 25, माइनस के 25, तो यहां पर माइनस के 475 को 25 से भाग देंगे, माइनस के, माइनस से माइनस सबसे पहले क्या हो गया कैंसिल हो गया, 25 एकम 25 कितने बचे 30, 25, 30, 10, 15, 15 और 7, 225, 25 नंबर 225, तो क्या आ जाएगा 19, 19 हमारा आंसर आ गया, ये आ गया हमारा भागफल। अब हम करेंगे उत्तर की जांच, तो यहां पे करते हैं उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच करेंगे तो क्या करेंगे, भागफल का हम जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, भागफल का मल्टीप्लाई भाजक से करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल कर आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस का 475। तो देखिए यहाँ पर माइनस का एक्चुअली प्लस का 19 है और माइनस का क्या है 25 है, तो 25 नंबर 225 की 5 फसला गएगा कि 22 और 25 से कम 25 और 25 और 22 47 माइनस का 475 हमारा आंसर आ गया। तो 475 यहाँ पे था भाज आ गया, क्योंकि भागफल और भाजक का गुणा करने पर क्या आना चाहिए भाजक आना चाहिए, भाज आना चाहिए, तो भाज निकल कर आता है। तो इस टाइप से मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन करा दिए, इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं।
फोर्थ और फिफ्थ घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है। पहले भाग दे लीजिए, फिर भाग पर निकल आएगा, भागफल और भाजक करके कर लीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा मतलब गुणा कर लीजिएगा, तो आपका भाज्य निकल कर आ जाएगा और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट है। अब यहां पर फोर्थ क्वेश्चन दे रहा है सत्त असत्त, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है सत्त और असत्त। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका पहले का आंसर आएगा वो आएगा सत्त, फिर दूसरा जो होगा वो होगा असत्त, फिर तीसरा होगा वो भी होगा असत्त, और चौथा होगा वो भी होगा आपका असत्त, और फिर आपका पांचवा होगा सत्त, और छठवा होगा आपका सत्त। तो ये सत्त असत्त इस टाइप से आपको बनाने हैं, क्योंकि यहां पर माइनस सेवन को डिवाइड करेंगे सेवन से तो माइनस का बना आएगा, फिर 230 को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बन आएगा नहीं, तो ये असत्य है। माइनस के बन को प्लस के बन से डिवाइड करेंगे तो क्या प्लस का बन आएगा, तो नहीं, ये भी क्या है, रॉन्ग है, गलत है। फिर माइनस के 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 नहीं आएगा, माइनस का 3 आएगा, ये भी क्या है, असत्य है। और फिर 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और माइनस 236 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 236 आएगा, ये भी क्या है, सत्य है। तो इस टाइप से हमारी जो एक्सरसाइज है 3.5 वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।